Uh, क्या छुपी हुई बातें हैं उसमें और uh, क्या उसके अंदर एक्सेप्शन हैं वो सारी चीज़ें जो हैं आपको एक वीडियो के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है वो डिलीवर की जाती है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर एंड लेट मी टेल यू अबाउट अभिमन यू आई एस इट्स अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर यू फॉर योर यू पी एस सी एंड वेरियस पी सी एस एग्जामिनेशन इट हैज़ मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड हैज गिवन आउट मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड पॉजिटिव रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन सो so, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये जो सीरीज है टू द पॉइंट वो आपको मिल रही है बिफोर टॉकिंग ऑन अदर टॉपिक पहले चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर है ना उसके बाद आई विल टेल यू कि ये देर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन जो आपका करंट अफेयर्स का जो uh, एक एक uh, दिमाग के ऊपर बोझ रहता है उसको पूरी तरह सॉल्व कर देगा दैट देर इज दिस सोल्यूशन फॉर यू गाइज आई विल टेल यू अबाउट दैट सोल्यूशन टू द एंड ऑफ द वीडियो फर्स्ट लेट्स गो ऑन ऑन टूडेज टॉपिक ट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज एस एस ई द नेशनल ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है इसका द एनएसल स्टॉक एक्सचेंज हैज रिसीव फाइनल अप्रूवल फ्रॉम सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू सेट सेगमेंट ऑफ एन एस सी क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये अभी हम देखते हैं एनएससी पता है आपको और आपको सेबी पता है क्या चीज है एस एस ई इज अल आइडिया नोवेल आइडिया मतलब नया आइडिया एस एस ई इज ए नोवेल आइडिया इन इंडिया एंड अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दिस काइंडेड टू बेनिफिट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर बाई डायरेक्टिंग मोर कैपिटल टू देश जितनी भी आपकी एनजीओ होती है या फिर एनी प्राइवेट फॉर्म विदेशल इंटेंट एनी प्राइवेट फॉर्म विदेशल इंटेंट इन दोनों को जो है आप इनका एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज जो एंटिटी है वहां पे बनाया जाएगा और जो डोनेशन हैं और जो स्टॉक्स हैं वो वहां से जो है उनकी ट्रांजेक्शन उधर से होगी एस एस ई के थ्रू विच इज़ सोशल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्टॉक बाय द वे बट अ फॉर्म ऑफ डोनेशन जो कि आप एन एस सी के थ्रू होगी एन एस सी के अंदर जो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बनेगा एक अलग एंटिटी बनेगी दैट इज एस एस ई उसके थ्रू डोनेशन जाएंगी इसके अंदर कौन कौन लिस्ट कर सकता है वो देखेंगे हम और थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में जो बजट आई थी मेरी फाइनेंस मिनिस्टर की इन फिजिकल ईयर 1920 द फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट प्रपोज दस ऑफ ई ये तब की बात है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 वाज देन इनवोड बाय द गवर्नमेंट विच अ पब्लिश नोटिफिकेशन अनाउंसिंग अ न्यू सिक्योरिटी एज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल सी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का बहुत बेसिक सा मतलब ये है यहां पे कूपन का मतलब है इंटरेस्ट है ना फॉर uh, एग्जाम्पल जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज होती है वो एक एक काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बेसिकली जिस, जो इसको इशू कर रहा है वो बेसिकली खरीदने वाले से लोन ले रहा है इसको पैसा जा रहा है और ये बदले में कुछ मनी जो है वो प्रॉमिस करते हैं कुछ इंटरेस्ट प्रॉमिस करते हैं कि इतने साल बाद आपको इतना पैसा हम दे देंगे वो सिक्योरिटी दैट इज द टर्म सिक्योरिटी सिक्योर्ड है सिक्योरिटी उनको उतने में वापिस होगी तो जीरो कूपन का मतलब है कि कोई भी इंटरेस्ट जो है उस सिक्योरिटी के ऊपर वापिस नहीं करना होगा एंड जीरो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट जो बेस अमाउंट होती है जितने की सिक्योरिटी होगी वो तो बेसिकली जो बेस अमाउंट है आपकी सो so अगर जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या हुआ इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू अ डोनेशन है ना तो इसका मतलब ये है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपका मैंने लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट जीरोपॉन्ट एंड जीरो प्रिंसिपल मीन ताकि आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत ना पड़े द एस विल फंक्शन एज अट डिस्टिंक्ट डिविजन ऑफ द करंट स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर द न्यू रेगुलेश चलिए आगे चलते एस एसई के ऊपर uh, कौन कौन जो है वो लिस्ट कर सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ एंड फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस with social intent and impact as their primary goal will be eligible to participate in the SSE. Additionally, such an intent should be shown by its emphasis on social goals that are appropriate for underserved or less privileged population populations or areas. The social enterprises will have to engage in social activity out of 16 broad activities,

Eradicating hunger, poverty, malnutrition, and inequality. Okay? Around. Then we have promoting healthcare, supporting education, employability, and livelihoods. right? Then we have gender equality, empowerment comma empowerment of women and LGBTQIA communities. Right? Let us add a plus here. Supporting incubators of social enterprises. Okay? तो मतलब कि ऐसी बिजनेसिस uh, ऐसी फर्म जिनका सोशल इंटेंट है जो कि दूसरी एनजीओ को एनेबल करती है टू फंक्शन बेटर विच एनेबल अदर फर्म्स या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्यूबेट देयर आइडियाज है ना तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल uh, एक्टिविटीज में आ जाएगा चलिए हु आर नॉट एलिजिबल अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी खेलता भी एक्सेप्शन पे ही है ट फाउंडेशन पोलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन है ना जितने भी प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशन है ये सब किसकी बात कर रहे हैं आर नॉट एलिजिबल की बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज देन वी हाउसिंग कंपनीज यहां पे अगेन एक एक्सेप्शन है विद द एक्सेप्शन ऑफ एफोर्डेबल हाउसिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना कि ऑल हाउसिंग कंपनीज आर नॉट एक्सक्लूडेड कंपनीज ऑफ बजट हाउसिंग है ना अफोर्डेबल हाउसिंग वो इसमें इंक्लूड हो सकती है बिकॉज दे हैजिबल टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइजिस अकॉर्डिंग टू सेविंग फ्रेमवर्क मिनिमम इशू साइज ऑफ रुपीज वन करोड़ एंड मिनिमम एप्लीकेशन साइज फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज टू लैक्स आर करंटली रिक्वायर्ड फॉर एस एस सी यानी कि जो आपका मिनिमम इश्यू साइज है वो एक करोड़ का होना चाहिए और जो मिनिमम एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन जो है हो वो दैट इज ऑफ टू लैक्स है ना नाउ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेंस एनपीओ नीड्स टू बी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट ठीक है अंडर ट्रस्ट एक्ट एंड शुड बी रजिस्टर्ड फॉर एटलीस्ट थ्री ईयरस मस्ट है लैक्स एनुअली इन पास्ट फाइनेंशियल ईयर ठीक है तीन साल पुरानी होनी चाहिए कम से कम और पचास लाख पिछले साल में उसने खर्चा किया होना चाहिए दे शुड हैव रिव फंडिंग ऑफ एटलीस्ट टेन लैक्स इन दी पास्ट फाइनेंशियल ईयर सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन टूडे टॉपिक है ना क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर इसके ऊपर जो है डायरेक्टली आपका जो सवाल है वो बन सकता है नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्स मैंने कहा था आपको मैं आई बी टेलिंग टुवर्ड्स द द एंड ऑफ वीडियो दिस इज द करंट अफेयर्स कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन ये जो सीरीज है दिस इज फॉर कोर्स इज फॉर बोथ प्री बोथ ऑफलाइन एज फॉर्मेट थ्री क्लास के अंदर जो पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम बहुत बहुत ही ज्यादा होलिस्टिकल तरीके से इसको कवर करते हैं क्लास के अंदर एक ताकि टॉपिक का तरीके से सोचना आपको आ जाए वी मेक श्योर क्लास के अंदर ये श्योर किया जाता है

वो आपका साथ साथ में जो है वो रिवाइज भी होता रहे। दिस इज़ इज़ हाउ इट डन। प्लस इफ यू आर वॉचिंग वीडियो टिल हेयर इज दिस स्पेशल थिंग फॉर यू दैट यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल राइट सो प्लीज चेक इट आउट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट